हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्रिलिक पेंट यूज करके एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसमें अपना एक्सपीरियंस आप सबों के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने इसका आउटलेट पहले से ड्रॉ कर चुका हूँ ग्रीन के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ फेस कलर तैयार करेंगे। फेस कलर को तैयार करने के लिए चार कलर का होना बहुत आवश्यक है, वाइट, रेड, येल्लो एंड ब्लैक। यहाँ पर हम थोड़ा सा फेस कलर ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए कलर का अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ स्मॉल एरिया है वहाँ पे आप छोटे से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ताकि कलर वहाँ बराबर से लग सके। जहाँ जहाँ लगे आपको ये डार्क एरिया है वहाँ आप फेस कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाएंगे और अप्लाई करेंगे। और जहाँ लगे कि आपको यहाँ पे डार्क करना है तो वहाँ डार्क कीजिए, और जहाँ लगे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए तो वहाँ फेस कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिला के लाइट कीजिए। कम से कम पोर्ट्रेट में दो ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एक करने से ये होता है कि थोड़ा सा कलर का भी कवर रह जाता है, तो दूसरे कलर जब हम यूज़ करते हैं तो वह कलर का भाग थोड़ा सा इसमें आ जाता है, जिससे पोर्ट्रेट में कलर गंदा लगने लगता है। यहाँ हमने आँख के लिए फेस कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाया हूँ, फिर बाद में हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम आँख में ब्लैक कलर का यूज नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे पहले लेयर में हम थोड़ा फेस कलर में ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। और आँख के लिए जितना पतला ब्रश हो सके उतना पतला ब्रश का इस्तेमाल करें, ताकि आपका पोर्ट्रेट में थोड़ा रियलिस्टिक आ सके। आईब्रो और आँख के लिए हम सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ डायरेक्ट ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते तो देखने में कुछ और ही लगता है। लिपस्टिक कलर बनाने के लिए हम थोड़ा सा फेस कलर में रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। और ड्राई होने के बाद थोड़ा सा फेस कलर का इस्तेमाल करेंगे लाइटिंग के लिए। आँख के व्हाइट वाले पोर्शन में हम डायरेक्ट व्हाइट ही नहीं छोड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर में ब्लैक कलर मिला के हम कलर को अप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा रेड कलर का उसके कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। पेंटिंग को आराम से बनाएं, जल्दीबाजी में मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें आप जितना बढ़िया से टाइम देंगे उतना बढ़िया से आपका पोर्ट्रेट की पेंटिंग होगा। और यहाँ पर हम जहाँ लग रहा है कि हमें यहाँ ब्लैक कलर से हाईलाइट होगा तो मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ लग रहा है थोड़ा सा वाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए हाईलाइट के लिए तो हम यहाँ पे वाइट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
इस पोर्ट्रेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।